ठीक है, कल हम लोग क्या क्या देख लिए थे? डेटा टाइप्स पूरा देख लिए थे पिछले क्लास में। आज हम लोग देखते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये हम लोग सारा चीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैं इसको जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ कि कौन कौन से ऑपरेटर थे। जितने हम लोग सी और सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स हम लोग देखे हैं, सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, कुछ नया ऑपरेटर नहीं है यहाँ पे, सारे ऑपरेटर्स वही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूनरी ऑपरेटर पढ़े थे, अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़े थे, शिफ्ट ऑपरेटर पढ़े थे, रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े थे, बिट वाइज, लॉजिकल, टर्नरी, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इतने सारे ऑपरेटर्स हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो एक एक हम लोग देखते हैं कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, तो इतने सारे ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले उसका प्रेसिडेंस हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर का क्या क्या प्रेसिडेंस होता है। प्रेसिडेंस मतलब क्या होगा? उसकी प्राथमिकता। ठीक है, कौन सा ऑपरेटर अगर लगा हुआ है तो पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा, अगर हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन हम लोग लिख रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ ऑपरेटर टाइप है, सबसे पहले आते हैं यूनरी में। यूनरी में दो आते हैं, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स। ठीक है, जिसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है, ये पोस्ट फिक्स है। एक्सप्रेशन जो कोई भी रहेगा या फिर कोई भी वेरिएबल रहेगा उसके बाद में इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्सप्रेशन है और ये भी बाद में लग रहा है, मतलब पोस्ट फिक्स है। ठीक है, प्रीफिक्स मतलब पहले लगेगा। ठीक है, प्लस माइनस इस टाइप का, निगेशन, ठीक है, नॉट, ये सब। ठीक है, देन आता है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में सबसे पहले आता है मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, जिसके में आता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। ठीक है, तीनों का प्रेसिडेंस सेम होता है। अगर तीनों का प्रेसिडेंस सेम होगा तो कैसे सॉल्व होता है, पता है क्या किसी को? एसोसिएटिविटी क्या रहती है इसकी? पता है क्या किसी को कि नहीं पता है? हनी बताओ क्या रहता है? बोर्ड मास के थ्रू सॉल्व करते हैं, लेकिन एसोसिएटिविटी क्या रहती है इसकी? और कोई? श्रेया बताओ, एसोसिएटिविटी क्या रहती है इसकी? देखो, एसोसिएटिविटी जो रहेगा, जैसा भी एक्सप्रेशन लिखा, लेफ्ट टू राइट होती है। ठीक है, अगर मान के चलो डिवीजन पहले लिखा हुआ है तो पहले डिवीजन सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर मॉड। ठीक है, लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जाते जाएं, जो भी ऑपरेटर पहले होगा वो सॉल्व होते जाएगा। ठीक है, अगर तीनों का प्रेसिडेंस सेम होगा तब। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं एडिटिव में। ठीक है, जिसमें आता है प्लस और माइनस, दोनों का प्रेसिडेंस सेम होता है। ठीक है, जो भी पहले आएगा, जैसा भी लिखे रहेगा, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एडिशन सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देन आता है शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, ये होता है लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, और ये भी होता है राइट शिफ्ट। ठीक है, इसमें वैल्यूज हमेशा चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये भी, इसका भी प्रेसिडेंस सबका सेम होता है और लेफ्ट टू राइट फॉलो होता है। ठीक है, जिसका भी प्रेसिडेंस सेम होगा उसका एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होगी। ठीक है, देन आता है कंपैरिजन। ठीक है, यहाँ पे आएगा लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ऑफ इंस्टेंस ऑफ। ठीक है, ये सारे के प्रेसिडेंस सेम होते हैं और सभी के सभी लेफ्ट टू राइट फॉलो होंगे। ठीक है, इक्वेलिटी, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, दोनों का प्रेसिडेंस सेम होता है, तो यहाँ पे भी अगर दोनों आ रहा है तो लेफ्ट टू राइट फॉलो होगा। ठीक है, देन उसके बाद आता है बिट वाइज एंड। ठीक है, बिट वाइज और बिट वाइज इंक्लूसिव और। ठीक है, देन आता है लॉजिकल। ठीक है, एंड एंड, ठीक है, इस टाइप का और रहता है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, देन आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर भी क्या होगा?
इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू और मॉड इक्वल टू, ठीक है, एंड इक्वल टू, उसके बाद देन उसके बाद ये आता है पावर, ठीक है, और शिफ्ट, सबके साथ यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर लगता है, ठीक है, तो सबका प्रेसिडेंस सेम होता है, ठीक है। तो जनरली हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो अरिथमेटिक के साथ सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, बाकी सारे चीज़ों के साथ हम लोग कम ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं यूनरी ऑपरेटर में, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें जो प्रेसिडेंस है इसका, ठीक है, प्रेसिडेंस मीन्स एक्सप्रेशन जब हम लोग लिखते हैं तो उसको सॉल्व करते हैं और कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले सॉल्व होगा, ठीक है, बोडमास रूल होता है उसी के अकॉर्डिंग होता है हमेशा सॉल्व, ठीक है। जितने भी मैथमेटिकल इक्वेशन होते हैं वो हम लोग या तो मैथ्स में सॉल्व करें या तो हम लोग किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में सॉल्व करें, सब में प्रेसिडेंस 99% सेम होता है, ठीक है। अगर किसी का प्रेसिडेंस सेम है तो उसको हम लोग एसोसिएटिविटी रूल के हिसाब से सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैथ्स में भी हम लोग पढ़े थे एसोसिएटिविटी रूल, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आते हैं हम लोग अपने ऑपरेटर पे, ठीक है। द जावा यूनरी ऑपरेटर रिक्वायर्ड ओनली वन ऑपरेंड, ठीक है। जितने भी यूनरी ऑपरेटर होते हैं वो सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर यूज टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन डेट इज इंक्रीमेंटिंग डिक्रीमेंटिंग बाई ए वैल्यू बाई वन, निगेटिंग एन एक्सप्रेशन, इन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ ए बूलियन, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा आ जाता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ जाता है, निगेशन आ जाता है, और इन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ बूलियन, मतलब वो निगेशन में ही आता है। अगर वो निगेशन लगा देते हैं तो हम लोग ट्रू से फॉल्स हो जाता है या फिर फॉल्स से ट्रू हो जाता है, ठीक है। ये सारे चीज़ पढ़ चुके हो, मैं मतलब थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ इसको ताकि ये चीज़ आज ही कवर हो जाए हमारा, ठीक है। तो जावा यूनरी ऑपरेटर का एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्लास बना लिए, क्लास ऑपरेटर एग्जाम्पल, ठीक है। देन उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हम लोग ले लिए स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ठीक है। फिर एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे इंट एक्स इक्वल टू 10, ठीक है। इतना समझ में आया सबको, इंट एक्स इक्वल टू हम लोग ले लिए 10, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर हम लोग ले लिए हैं एक्स प्लस प्लस, मतलब इंक्रीमेंट कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू है 10, ठीक है, प्लस प्लस लगा देंगे तो क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन प्लस प्लस एक्स, ठीक है, ये भी इंक्रीमेंट है लेकिन प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट हो रहा है अभी, ठीक है। तो वैल्यू थी 11, इंक्रीमेंट होने के बाद वैल्यू थी 11, ठीक है। 11 में प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एक्स माइनस माइनस, ठीक है, वैल्यू थी एक्स की 12, ठीक है, 12 माइनस 1 हो जाएगा तो क्या होगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन माइनस माइनस एक्स, ठीक है, एक्स की वैल्यू थी 11, ठीक है, माइनस 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ओके ठीक है, आगे चले, ठीक है। ये एक और एग्जांपल है इसका, ठीक है, क्लास ऑपरेटर एग्जांपल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, इंट ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 10, ठीक है। दो वेरिएबल लिए, ए में भी 10 डाले हम लोग और बी में भी 10 डाल दिए। फिर आते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए प्लस 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 ए, ठीक है, ए प्लस प्लस में क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 10, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है, 10 है,
ठीक है, तो ए प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे हो रहा है, ए की वैल्यू है 10, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट हो गया, प्लस प्लस लगा दिए, ठीक है, फिर एडिशन है, फिर उसके बाद प्लस प्लस ए। अब जैसे ही ए प्लस प्लस हुआ, ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, क्या इंक्रीमेंट हो गई, ए की वैल्यू हो गई 11, ठीक है। जब भी इस ऑपरेटर के साथ हम लोग यूज़ करते हैं, इसकी एक्चुअल वैल्यू लेगा, उसके बाद कोई भी ऑपरेशन हो रहा है तो वो अगले एक्सप्रेशन पे लेगा, आया समझ में। अब यहाँ पे जो हम लोग एडिशन ऑपरेटर लगाए हैं वो अभी एक्चुअल वैल्यू लेगा, ठीक है। इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है कि वो एक्चुअल वैल्यू ही लेता है, अगर उसमें कोई भी इंक्रीमेंट हो गया रहता है या फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वहाँ लगाए रहते हैं तो वो उसको एप्लीकेबल नहीं मानता है, ठीक है, अगर वो लेफ्ट साइड में है तो, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये अभी वैल्यू किसकी लेगा, ए की 10 वैल्यू लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एडिशन है, फिर उसके बाद प्लस प्लस ए है, अभी जैसे ही यहाँ इंक्रीमेंट हो गया है इसकी वैल्यू 11 हो चुकी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे प्लस प्लस ए है, ठीक है, ए की वैल्यू थी 11, ठीक है, प्लस प्लस पहले लग गया, मतलब क्या हो जाएगा, प्लस 1 कर देगा उसको, 12 कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा उसको, 12 कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 प्लस 12, आया समझ में, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे हुआ यहाँ पे। ए प्लस प्लस कायदे से क्या होना चाहिए, ए प्लस 1 मतलब 11 इसकी वैल्यू आनी चाहिए, वैसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे लगा है एडिशन ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर के जो भी लेफ्ट साइड रहता है और वहाँ पे लगा है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, ठीक है। तो एडिशन ऑपरेटर क्या करेगा, पोस्ट फिक्स को नेक्स्ट एक्सप्रेशन के लिए रखेगा, जब भी नेक्स्ट एक्सप्रेशन आएगा उसके लिए इंक्रीमेंट वैल्यू देगा, मतलब इंक्रीमेंटेड वैल्यू देगा, खुद क्या करेगा, खुद एक्चुअल वैल्यू लेगा, ठीक है। ये एडिशन जो है इस एक्सप्रेशन से एक्चुअल वैल्यू लेगा, मतलब एक्चुअल वैल्यू क्या है, ए की 10 है, ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू लेगा 10। ये प्लस प्लस जो है नेक्स्ट एक्सप्रेशन होगा, नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है हमारा, प्लस प्लस ए, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस प्लस ए जब वो होगा तो इसकी वैल्यू इंक्रीमेंटेड वाली हम लोग को मिलेगी, इंक्रीमेंटेड वैल्यू क्या है आ रही है इसकी, 11। देन उसके बाद 11 में प्लस प्लस ए करें, क्योंकि यहाँ पे प्रीफिक्स में हम लोग लगा दिए हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होगा, वो 11 प्लस 1 कर देगा, और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको ए में स्टोर करेगा और उसको ऐड करेगा, तो ये मतलब क्या होगा, 10 प्लस 12 इक्वल टू 22। आया समझ में कि नहीं आया, वाह ऑलरेडी 3 बार समझा दिया। हाँ दोनों अगर प्रीफिक्स होगा, यहाँ पे अगर मान के चलो इस प्रकार से हम लोग लगा देते हैं प्लस प्लस, यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पहले इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है, 10 की वैल्यू 11 करेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पोस्ट फिक्स था, ठीक है। देखो प्रीफिक्स क्या करता है, अगर पहले इंक्रीमेंट है तो पहले इंक्रीमेंट करके उसमें स्टोर करता है, आया समझ में, ठीक है। तो अगर पोस्ट फिक्स है तो पोस्ट फिक्स का एक्सप्रेशन तो बाद में है ना, स्टोर कहाँ कर रहा है वो, अपडेट नहीं किया ना उसको, पहले वैल्यू आई देन उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, अपडेट हुआ क्या, ये नहीं हुआ, ए में तो 10 ही है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो होगा, अगला एक्सप्रेशन मतलब ये वाला, इसके पास वैल्यू कौन सी पहुंचेगी, 11 वैल्यू पहुंचेगी, है ना, 11 वैल्यू हुई देन उसके बाद ए में स्टोर हो गया, अब कौन सा वैल्यू मिलेगा, अपडेटेड वैल्यू मिलेगा, 12 मिलेगा, आया समझ में। तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू ले रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कौन सी वैल्यू ले रहा है, इंक्रीमेंटेड वैल्यू लेगा, ठीक है। अभी क्लियर है सबको,
ठीक है, क्लियर है। देन उसके बाद सेकेंड एक्सप्रेशन में आते हैं बी प्लस प्लस, ठीक है। देन उसके बाद एडिशन लगाया हुआ है बी प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों में पोस्ट फिक्स लगाया है, ठीक है। यहाँ पे बी प्लस प्लस हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू रहेगा, बी की वैल्यू है 10, ठीक है, 10 प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गई वैल्यू, इंक्रीमेंट हो गई वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, 11 है। देन उसके बाद प्लस प्लस किया, मतलब क्या हो जाएगा, 11 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा। अब यहाँ भी क्या है, एक्चुअल वैल्यू हो रही, यहाँ पे भी एक्चुअल वैल्यू आ रही, दोनों में वैल्यू क्या आएगी, पहले में 10 आएगी, सेकंड में प्लस 1 कर देगा, क्योंकि ये वाला इंक्रीमेंट हो रहा है, ये वाला प्लस 1 है, ठीक है। प्लस 1 करके वो 11 हो जा रहा है ये वाला, ठीक है। और टोटल करेंगे तो 21 वैल्यू आएगी, ठीक है। इसको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बी है, बी की वैल्यू है 10, ठीक है। फिर किए प्लस प्लस, मतलब क्या हो गई वैल्यू, 11 हो गई, लेकिन किसके लिए, अगले एक्सप्रेशन के लिए, अगला एक्सप्रेशन ये है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ वैल्यू क्या आई, 10 आई, ठीक है। अब वैल्यू 11 हो चुकी है, लेकिन वो एप्लीकेबल किस में होगा, नेक्स्ट एक्सप्रेशन के लिए होगा, ठीक है। अगला एक्सप्रेशन पे आते हैं बी प्लस प्लस, ठीक है, बी प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे बी की एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 11 थी, क्योंकि यहाँ इंक्रीमेंट हो चुकी है, 11 प्लस प्लस, मतलब अब क्या हो जाएगा, अगले एक्सप्रेशन के लिए वो 12 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ एक्चुअल वैल्यू ही ऐड होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, 11, ठीक है, 10 प्लस 11 इक्वल टू 21। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया। तो इस प्रकार से यूनरी ऑपरेटर काम करता है, जिसके अंदर दो ऑपरेटर आते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जिसमें हम लोग निगेशन और नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो क्लास ऑपरेटर एग्जाम्पल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे दो ऑपरेटर हम लोग, सॉरी वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं, इंट ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू -10, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बूलियन का ऑपरेटर है, बूलियन सी इक्वल टू ट्रू, डी इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। अब देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, निगेशन ऑफ ए, ठीक है। निगेशन ऑफ ए क्या होगा, अब देखो निगेशन मतलब करता क्या है, वो माइनस ऑफ टोटल पॉजिटिव वैल्यू विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ठीक है, माइनस ऑफ टोटल पॉजिटिव वैल्यू विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ठीक है। टोटल पॉजिटिव वैल्यू को माइनस करेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है हमारे पास, जीरो से लेके 10 तक वैल्यू है, उसको क्या करेगा, माइनस करेगा, ठीक है। 10 को अगर मान लो माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इसका सीधा सीधा सा मतलब ऐसा है कि वो सबसे पहले उसको क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट करेगा और वहां पे नेगेटिव ऐड कर देगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो उसको क्या करेगा, एक से इंक्रीमेंट करेगा और उसमें नेगेटिव ऐड कर देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 10 है, ठीक है, पॉजिटिव में है, उसको क्या करेगा, वो प्लस 1 करेगा और उसमें नेगेटिव ऐड कर देगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो गई, 11 हो गई, और 11 कैसा है, नेगेटिव में है, देखो माइनस 11, ठीक है। इसको बोलते हैं निगेशन, क्या बोलते हैं, निगेशन ऑपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे आते हैं हम लोग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन,
निगेशन ऑफ बी, बी में है -10, ठीक है। अभी यहाँ नेगेटिव वैल्यू है हमारे पास, जैसे ही नेगेटिव वैल्यू आएगी निगेशन के पास, वो क्या करेगा, उसको डिक्रीमेंट कर देगा 1 से, और अगर माइनस रहेगा तो उसको पॉजिटिव में चेंज कर देगा, पॉजिटिव ऑफ टोटल माइनस पॉजिटिव स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। इसको इग्नोर मारो, ठीक है, बस इतना लॉजिक याद रखो, अगर नेगेटिव वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, तो उसको -1 करेगा और उसको पॉजिटिव में चेंज कर देगा, ठीक है, क्लियर है, नहीं समझ में आया, ठीक है। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो उसमें +1 कर देगा और उसको नेगेटिव में चेंज कर देगा, अगर नेगेटिव वैल्यू है हमारे पास तो उसको -1 करेगा और उसके बाद उसको क्या करेगा, पॉजिटिव में चेंज कर देगा। ठीक है, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे हम लोग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, नॉट सी, ये नॉट ऑपरेटर है, ठीक है। इसका काम इतना है, ट्रू होगा तो फॉल्स में चेंज कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू में चेंज करेगा, ठीक है, ट्रू होगा तो फॉल्स में चेंज करेगा, फॉल्स होगा तो ट्रू में चेंज करेगा, ठीक है। यहाँ पे नॉट लगा है सी के साथ में, सी की वैल्यू थी ट्रू, ठीक है, सी की वैल्यू क्या थी, ट्रू, ठीक है। तो यहाँ नॉट ऑफ सी क्या चेंज करेगा, ट्रू को फॉल्स में चेंज कर देगा, ठीक है। फिर उस पर डी की वैल्यू क्या है, फॉल्स, ठीक है, नॉट ऑफ डी इसको क्या चेंज कर देगा, ट्रू को चेंज कर देगा, ट्रू में चेंज कर देगा। आया समझ में कि नहीं आया, कितने बजे ज्वाइन किए हो, ज्वाइन कितने बजे किए हो, 10:55 को ज्वाइन किया। मैं क्लास कब से चालू करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूनरी ऑपरेटर आज देखे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जावा अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, ये सारा चीज़ जानते हो, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, किसी कुछ डाउट होगा तो पूछ लो।